नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट, ये पूरे 3 पॉइंट्स का है। सबसे पहले एक्टिंग करने आएंगे वुल्व्स, दूसरे नंबर पे होंगे लेपर्ड्स, तीसरे नंबर पे गोरिल्लास और आखिर में आएंगे ड्रैगन्स। चलो भाई वुल्व्स के लिए सबसे पहली सिचुएशन क्या निकलती है, गौर से सुनिएगा। नई नई शादी हुई है, बाहर घूमने आए हुए हैं, दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लग रही थी, आप भी राजकुमार लग रहे थे, बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए, आप मुझे चांद और तारे ला कर दें। मजाक मत करो, ठीक से बताओ, मैं मजाक नहीं कर रही, लड़की सीरियस है, मुझे चांद और तारे तोड़ कर ला कर दो। तुम क्या पागल हो गई हो, मुझे यही चाहिए। इस बात पे झगड़ा हो रहा है दोनों के अंदर, आओ जल्दी से। चलिए जी एक मिनट है, सिचुएशन बदल गई है, नई नई शादी हुई है, बाहर घूमने निकले हुए हो और तुमने पूछा है, क्या बोला था, राजकुमार लग रहे हो और तुम बहुत प्यारी दुल्हन लग रही हो, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। सिचुएशन आप दोनों की है, वो इम्प्रोवाइज करने वैसे भी आ सकता है। चलो जल्दी आ जाओ, 60 सेकंड्स, रेडी गो। अरे कितनी हसीन जगह पे आया हूँ और ऐसी हसीन दुल्हन के साथ, क्या किस्मत है मेरी। आप भी राजकुमार लग रहे थे यार। आप भी तो हसीना लग रही है, नाजुक सी हसीना। ले लो, मुझे आप कुछ दिलाएं। हैं? मुझे चांद तारे चाहिए। चांद तारे नहीं, इस मुंह पे गैस के गुब्बारे ही अच्छे लगते हैं, तो मैं गैस के गुब्बारे इधर आए भाई, गैस के गुब्बारे हैं। हाँ जाओ यहाँ से, मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता, मुझे चांद तारे। तुम स्टार्टिंग में ऐसे हो, आगे जाके मेरा बेड़ा गर्क कर दोगी, थोड़ा हल्का हाथ रखो बेगम, मैं वैसे ही बहुत गरीब आदमी हूँ। अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? चांद तारे बोले, कितनी दफा बोलूं, कान साफ करवा ले, सुनाई नहीं देता आपको। मेरा नाम चांद है। चांद है? हाँ। इस चांद पे घेर लगा हुआ है, तुम जाओ यहाँ से, इधर से। नहीं, शादी हुई है, देखे मैं आपसे पहली दफा कुछ मांग रही हूँ। अच्छा, मैं ला दूंगा ना चांद और तारे, किसी खिलौने की दुकान में मिल जाएंगे तो ला दूंगा, इतनी दूर ऊपर नहीं जा सकता बेगम, समझा करो। मेरे अब्बा का नाम तारे। अबे वो साईवाल की लोमड़ी, तू तो जाए यहाँ से। क्या है, आप किस जगह पे लेकर आए? मैं तो साफ सुथरी जगह पे, मुझे। चलो मिलाओ, नेक्स्ट कौन है, किसकी बारी? लेपर्ड्स। लड़के ने अपने ऑफिस कार में आना शुरू कर दिया है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तुम लोग फटफटी और मैं कार में आता हूँ, पेट्रोल अगर 1000 रुपया लीटर हो गया तो जेब, तो जब भी मैं कार में ही आऊँगा, पेट्रोल पर पैसे बढ़ जाते हैं और वो अगले दिन साइकिल पर दफ्तर आता है। अब इसके दोस्त इत्तेफाक से बाहर खड़े होते हैं, उसका देखते हैं कि ये साइकिल पर आ रहा है, अब उसके दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। कार कहाँ है यार, वो बस कोई भी बहाना बना सकते हो तुम, क्या हुआ तुम्हारी कार के साथ? पेट्रोल जो है वो एकदम से 30 रुपये महंगा हो गया, जो कि कल ही हुआ है आज, मतलब के तो आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो सिचुएशन के अंदर। जल्दी आ जाओ, पहले कार में आए हो और बहुत भरम झाड़ रहे हो अपने दोस्तों के सामने, अपने क्लीग्स के सामने, ऑफिस आए हो, रेडी गो मैन। गर्मी इतनी यार, कार में ऐसे ही चलता रहता है, गरीब वो शेष, गरीब आमना, गरीब दोनों गरीब। यार मेरी बात सुन, कौन से अमीर हो? कार देखिए, कार सफाई करने आ जाना दोनों कल मेरी कार। कितने के लिए तूने ये कार? 80 लाख की। 80 लाख देखे भी हैं कभी? ले लेना, देखने के लिए नहीं, नहीं पड़ी है, देखता रहता हूँ। मेरी बात सुन, देख यही कार होगी कल, तू इस पे नजर भी नहीं आएगा, ठीक है? हालात जैसे देख रहे हैं आजकल, चल। अरे होते रहते हैं भाई, 1000 का पेट्रोल हो जाएगा तब भी भर के लाऊंगा, गरीबो सफाई वफाई के लिए आ जाना मेरे पास। अबे भाई सुन, सफाई वफाई की बात नहीं करना, हम इतने भी गिरे हुए नहीं है, जितना तू गिरा हुआ ना मुझे सब पता है। पागल हो गया, पागल है पता नहीं कहाँ से आ गया ये, आज कार आ गई तो हमारे साथ खेल रहे। अरे दोस्तों कैसे हो? अबे क्या हुआ, 3 डब्बे वाला लग रहा है। तेरी तरह ही लग रहा हूँ। तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई है? वो गाड़ी मैंने गरीब दोस्त था उसको दे दी। हाँ, 4-व्हीलर से 2-व्हीलर पे आ गया औकात पे, पीले चश्मे वाले। तो क्या हुआ, पेट्रोल भी तो 30 रुपए महंगा हो गया, मैं क्या करूँ? अबे कोई नहीं, कुछ नहीं महंगा हुआ बेटा, गाड़ी कहाँ गई ये बता। गाड़ी नहीं है। टाइम अप गाइस, चलो जल्दी से। अच्छा जी बारी किसकी है? एक लड़की 2 लड़कों को पागल बना रही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे बात करती हूँ, सिर्फ तुम मुझे अच्छे लगते हो, दोनों लड़कों से एक ही बात कर रही है। वो दोनों लड़के दोस्त हैं, आज मैं तुझे तेरी भाभी की तस्वीर दिखाऊंगा। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, ये देख। अबे क्या बोल रहा है, ये तेरी कौन है? मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अच्छा सिचुएशन ये है कि पहले फ़ोन पे बात कर रही हूँ और एक साथ दोनों से बात कर रही हूँ और एक ही बातें कर रही हूँ, सही है? इत्तेफाक से नेक्स्ट मॉर्निंग इन दोनों की मुलाकात होती है तो वो फ़ौरन बोलेगा कि आज मैं तुझे तेरी भाभी दिखाता हूँ। जैसे ही वो इसको भाभी दिखाएगा, हाँ नहीं नहीं पिक्चर दिखाएगा, फिर आपस में झगड़ा हो जाएगा। तुमने कहा माफ़ी मांगनी है? मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। नहीं ये तो हो नहीं सकता, सिचुएशन इतनी बड़ी है, 60 सेकंड्स में होगी नहीं। पहली पहली चीज़ जो है
इसको इसका ब्रेकडाउन जो है ना वो इस तरह बनेगा, शुरू के 30 सेकंड्स तुमने पागल बनाया, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग निकल कर आए, इनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, तुम्हारे लिए नहीं होगी, इनकी आपस में हो जाएगी, वो कहेगा नहीं इससे तो मेरी बात चल रही है, इससे तो मेरी बात चल रही है, कॉल लगाते हैं, कॉल लगाएंगे फिर कट कर देना, चलो जल्दी से आओ, सही ना, एंड में तुम लोग कॉल कर सकते हो, अभी पूछेंगे, वीडियो कॉल कर अभी पूछते हैं, आखिर में ये ऐड कर सकते हो, जरना वो तुम्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं, सही है ना, एकदम से बात करते करते दूसरा भी सामने आ जाएगा और तुम फोन काट देना, चलो रेडी गो। हेलो बेबी। हेलो। हेलो। कैसे हो? मैं ठीक, आप बताएं। यार तुम बहुत याद आ रही हो। फिल्टर वगैरह भी बहुत प्यारी लग रही हो। आपको पता है मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि कितना मैं करती क्या बताऊँ। कितना करती हो? बहुत 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 ज्यादा। मैं इतनी खुशनसीब हूँ ना कि मुझे आप मिले हैं कि बस क्या बताऊँ। बेबी लाउड स्पीकर खराब है ना, इसलिए देखो मैं आपसे ये फोन नहीं माइक पे नहीं ऐसे बात कर रहा हूँ कि आवाज आए मुझे। बस अच्छा एक बात बताए मुझे। जी मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, मुझे काम है। ठीक है ओके। ओए जानी किधर था तू मेरे यार, शेर का शिकार। मेरे भाई को हो गया प्यार दिखा। अरे मेरे को भी प्यार हो गया है। और वो मेरे घर की संभालेगी चाबी। हाँ ये भाभी है। हाँ तू फैंस का? ये तेरी भी भाभी है यार। हाँ अबे तेरी भाभी बावले। अबे मैं कल रात को बात करके आया हूँ, आप वीडियो कॉल लगाएं। अबे तू इजीली वीडियो कॉल लगाएं। वीडियो कॉल लगा, वीडियो कॉल लगा। हाँ हेलो बेब, ये टाइम अप चलो सही है। आओ भाई जल्दी से, बारी किसकी है? ड्रैगन्स की बारी है। डेकोरेशन वाले ने दिखाया कुछ था और लगाया कुछ, दूल्हा और उसकी अम्मी बहुत खुश हैं, हमारा प्रोग्राम वीवीआईपी होगा। डेकोरेशन वाले ने सारा माल, कुर्सियां, प्लेट, चम्मच, स्टेज, फूल, कारपेट और बहुत कुछ सब हल्की क्वालिटी का लगा दिया है, मगर पैसे वीवीआईपी वाले लिए हैं। वलीमा शुरू, दूल्हा और उसकी अम्मी सारा सामान देखकर तब जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। उसने बताया कुछ था, तुम्हें दिखाया कुछ था और दूल्हा और उसकी अम्मी, सही है। लेकिन जब तुम लोग गए हो वलीमे वाले दिन और तुमने देखा ये तो बहुत सस्ता और पैसे बहुत ज़्यादा ले लिए, तो वलीमे वाला जो भी डेकोरेशन वाला उससे तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। चलिए जी, अम्मी बेटा कौन है? ठीक है नहीं, उसने सस्ती चीज़ें लगा दी, पैसे लिए उसने एक नंबर चीज़ के और सबसे सस्ती चीज़ें लगा दी हैं सारी, सही है। हर चीज़ वो सब कुछ हो सकता है। एक मिनट है तुम लोगों के पास, यहाँ से आ जाओ। तुम डेकोरेशन वाले हो, ये अम्मी और ये इनका बेटा, इनका वलीमा हो रहा है। रेडी गो गाइस। आज तुम्हारा वलीमा है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई है, आओ चलो चल गाना तो गाने देते हैं कम से कम, खुश है, पहली बार शादी हो रही है। आ जाओ चल चल चल। आइए आइए, आपका इंतजार हो रहा था, देखे पूरा सजा दिया बिल्कुल। आपको कैसे पता हमारी शादी हो रही है? इंतजार हो रहा है। ये क्या किया है? बिल्कुल सही था सजाया है। ये तुमने 100 रुपए वाले तंबू लगा दिए? तो दूल्हा भी तो वैसे ही है। मेरे बेटे की शादी है, ये तुमने क्या किया? तुम वैसे ही सजाए कर दिया। ये कैसे प्लेट है? जब पिछले हफ्ते आए थे तूने क्या बोला था, क्या दिखाएगा और क्या लगाया? आपने यही कहा था ना कि कारपेट, चेयर, ये सब स्टेज पे लगा और बाकी चीजें नीचे लगानी है। कारपेट की जगह तुमने यहाँ पे मिट्टी डाली हुई है, मिट्टी के कारपेट बनाए हुए क्या? इस पे मिट्टी डालो ना। मैं तो मिट्टी डाल दूंगी, बेड़ा गर्क कर दिया। टाइम अप चलो भाई जबरदस्त। पहले आप लोग बताइए कि सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इन चारों टीम्स में से किस टीम की थी, फिर मैं बताता हूँ। जी फैसल, माइक खोलिएगा फैसल का। रात भाई हेलो जी। दानिश भाई, ओवरऑल अगर सिचुएशन अगर देखते हैं तो हमें जो सबसे अच्छी सिचुएशन और जो एक्टिंग लगी है जिसमें पंचेस वगैरह भी लगे वो वुल्फ्स की लगे। ठीक है, वो वुल्फ्स की लगी जो हमारी अपनी राय है, बाकी आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो जो इन्होंने किया है अपना गोरिल्लाज ने, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। और ड्रैगन से जी ड्रैगन सॉरी, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। लेकिन जो हमें सबसे बेस्ट लगी वो परफॉर्मेंस वो इनकी लगी है वुल्फ्स की। तो अच्छा। बाकी आप ज़रा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा मैं वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले आए थे लेपर्ड्स, आई गेस सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले वुल्फ्स आए थे।
तुम लोगों ने जो एक चीज़ ऐड की थी सलमान को सिचुएशन में डाल के, वो सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि जब जब वो आ रहा था तो तुम्हारे जहन में पंचेज आ रहे थे। सिचुएशन तो तुम्हारी बड़ी सिंपल सी थी, उसमें एक्ट भी तुम्हारा सिंपल सा ही होना था, बस वो जो एक कॉमिक रिलीफ था वो सलमान के आने से तुमने वो फिल कर दिया था। लेकिन सिर्फ एक जगह जो तुम वो मेरे ख्याल से हाफ अ सेकेंड के लिए खामोश हुए थे शायद, सिचुएशन बना रहे थे, लेकिन तुमने जो जो तुम्हें टास्क दिया गया था, जो सिचुएशन थी, उसको पूरा फुलफिल कर लिया था। अच्छा, एक्टिंग तुम तीनों की जो थी वो दरमियानी थी। फिर सेकंड कौन आया था? लेपर्ड्स की तरफ से आगाज बहुत अच्छा था उमर का। उमर आया था यहाँ पर, आके बोला था एक चीज मिस कर गए थे उमर, तुम्हें इनको बताना था। तुम लोग फटफटी पे आते हो, तुम लोग तो अपनी इन गाड़ियों में आते हो फटफटी पे, देखो मैं आज गाड़ी लेकर आया हूँ, कि तुमने कहीं ऐड नहीं किया, ना तुमने ऐड किया ना उन लोगों ने तुम्हें याद दिलाया। तुम लोगों की परफॉर्मेंस दरमियानी थी, वो वाले पंचेस नहीं आ रहे थे उमर के जो नॉर्मली उमर कभी कभार कहे जाता है फ्लो के अंदर, लेकिन वो नहीं थे। तुम लोगों की भी एक्टिंग मुझे दरमियानी सी लगी, मुझे आज भी ऐसे ही लगा। आमना, तुम खुल के एक्ट नहीं करते हो, तुम कहीं से नर्वस होते हो, या तुम्हें लगता है कि यार मैं कोई ऐसी फ़नी चीज़ ना कर जाऊं जिससे शायद बाद में जो है वो लगेगा कि यार इसने तो बहुत ही फ़नी कर गया। देखो, जो सिचुएशन मिलती है ना उसको उसकी तरह एक्ट कर दो, बस। आज भी मुझे लगा था कि आमना जो थी वो अंडर परफॉर्म करके गई है। अच्छा जी, बारी थी फिर उसके बाद गोरिल्लास की। जब इन दोनों की सिचुएशन जो थी वो मेरे हिसाब से सिंपल सी थी, इनको मैंने सिचुएशन थोड़ी सी इनकी इन्हेंस कर दी थी अपनी तरफ से, वो ये कि एंड में तुम बता देना भाई कि, लेकिन ऑब्वियसली उसमें टाइम ही नहीं बचा था क्योंकि टाइम एक मिनट का ही होता है। सिचुएशन इनकी सिर्फ ये थी कि एक लड़की दो लड़कों को पागल बना रही है, एंड के अंदर जब अगले दिन वो लोग मिलते हैं तो वो कहता है यार ये तेरी भाभी है, वो तुम लोगों ने सिचुएशन पूरी सही तरह से कर दी थी। बाकी तुम लोगों की परफॉर्मेंस मुझे सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा बेहतर लगी थी। अच्छा जी, बारी थी ड्रैगन्स की। ड्रैगन्स में मदीहा जो थी वो माइंड ब्लोइंग थी, बिल्कुल अपने कैरेक्टर के अंदर खुल के एक्ट कर रही थी और बेटे को जिस तरह रखना था उस तरह ही रख रही थी। फिर जहाँ पर एहसन था, एहसन के लिए जो कैरेक्टर था उसके हिसाब से वो वैसे ही परफॉर्म कर रहा था। सिचुएशन तुम लोगों की सिंपल थी, सिर्फ मदीहा जो थी ना वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालती हुई नज़र आ रही थी, इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा विजिबल थी एक्ट करते में। मसरूर जो था वो कहीं एक्टिंग के अंदर वहाँ गुम हो गया था, मुझे नज़र नहीं आया उसका कैरेक्टर, सिवाय इसके कि मुझे गाना तो ख़त्म करने देती। या तुम एक और चीज़ ऐड कर रहे थे कि यार तुम्हें पता नहीं है कि मेरी शादी है, पहली बार शादी है, तुम ये बात काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुके। अच्छा, क्योंकि परफॉर्मेंसेज जो थी वो चारों टीम्स ने बड़ी मीडियोकर से दी हैं सिवाय मदीहा के। सिर्फ मदीहा जो थी वो ज़्यादा जो थी अच्छी एक्टिंग करके गई है मेरे हिसाब से, और यहाँ पर इनकी सिचुएशन के हिसाब से ये तीनों ज़्यादा बेहतर थे। वुल्फ्स की तरफ से सलमान वाला फैक्टर जो था वो ऐड हुआ था। मेरे हिसाब से तीन पॉइंट्स के हकदार या शायद दो टीम्स हैं, एक तो तीन पॉइंट्स जाएंगे वुल्फ्स के साथ। उमर लोगों से हो गई गलती, वहाँ पर तुम लोग मेरे ख्याल से रह गए हो, और मुझे लगता है गोरिल्लास और ड्रैगन्स जो थे वो तकरीबन बराबर थे, क्योंकि एक प्लेयर बहुत अच्छा था, दूसरा दरमियाना था, तीसरा जो था वो अंडर परफॉर्म करके गया है। यहाँ पर ये तीनों बराबर ही थे। तीन पॉइंट जाएंगे गोरिल्लास के साथ, तीन पॉइंट जाएंगे वुल्फ्स के साथ, एक पॉइंट जाएगा ड्रैगन्स के साथ, हो जाएगा इससे। तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।